नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 20 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पे। उमर अब्दुल्ला ने ली जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। सुरेंद्र सिंह चौधरी होंगे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम, रविंद्र रैना को हराया था चुनाव। कनाडा भारत तनाव के बीच जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के सांसद ने ही उनसे मांगा इस्तीफा। मुंबई लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में लगी आग, 3 लोगों की मौत। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, मंत्रिमंडल बैठक आज, 3% बढ़ सकता है डीए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 56 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मोहर। यूएस का दावा, अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश को गंभीरता से ले रहा भारत। बहराइच हिंसा में 52 दंगाई गिरफ्तार, मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट अब भी बंद। बंगाल की खाड़ी में तूफान की हलचल, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। नेपोटिज्म, स्क्रिप्ट चोरी, अनप्रोफेशनल बर्ताव का आरोप, इन विवादों में पिसी आलिया की जिगरा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर टला उपचुनाव, अखिलेश ने कसा तंज। इसराइल ने ढेर किया हमास का एक और कमांडर, आईडीएफ पर ड्रोन हमलों का था मास्टरमाइंड। भारत न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में टेस्ट, बारिश की वजह से टॉस में देरी। बिहार में जहरीली शराब का कहर, छपरा में एक की गई जान, 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में अंदरूनी कलह से बचने के लिए कांग्रेस सख्त, पार्टी नेताओं को दी नसीहत। देहरादून में शराब की दुकान को लेकर डीएम और आबकारी आयुक्त में ठनी, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। सुपरस्टार रजनीकांत के लग्जरी बंगले में घुसा पानी, स्टाफ मेंबर रख रहे कड़ी निगरानी। महाकुंभ में प्लास्टिक बैन, मिट्टी के बर्तनों का होगा उपयोग, कमिश्नर ने दिया आदेश। ईवीएम हिजबुल्ला के पेजर से ज्यादा मजबूत, चुनाव आयोग ने कांग्रेस के दावे को किया खारिज। एससीओ बैठक में पहुंचे जयशंकर, पाकिस्तान पीएम शहबाज ने किया स्वागत। इस टॉप 20 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।